गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग गाइज? मैं फिर से एक वीडियो ऐसे लेकर आई हूँ। वैसे तो आप लोग मेरा टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेकर। मैंने ये मंगाई है स्लेट पेंसिल, ये देखो मैंने डेट में मंगाई थी 26 नवंबर में, यानी आज देखो कितने दिन हो गए, बहुत दिन से मेरे पास आई हुई थी। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे इसकी वीडियो मैं कब इसकी वीडियो बनाऊं, तो फिर मुझे फाइनली आज टाइम मिला है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, आप लोगों के सामने खोलने जा रही हूँ, अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं, ये 30 रुपीज़ का बॉक्स है जो मुझे 114 में यानी 114 रुपीज़ में मिला है। स्लेट पेंसिल इतना महंगा हो गया है यार, क्योंकि इसका टैक्सेस और शिपिंग चार्ज लगा है। 30 रुपीज़ के डब्बे पर इतना सारा चार्ज है यार, इतना महंगा आप लोगों ने मुझसे ऑर्डर करवाया है। तो जल्दी इसको खोलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगी है। इतना मतलब महंगी तो नहीं है, बहुत सस्ती है, लेकिन इसका जो चार्ज लगा है वो बहुत महंगा लगा है, तो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए। ये ओपन कर चुकी हूँ, ये देखो इस तरीके से इसका बॉक्स है। अच्छा, इसके अंदर भी एक बॉक्स है। इस तरीके से मैं इसको ओपन कर देती हूँ। काफ़ी डस्ट आ रहा है, ये देखो इस तरीके से पैकिंग है, मतलब डब्बे के अंदर डब्बा है। एक मिनट में निकाल देती हूँ, निकलेगा नहीं निकलेगा, डब्बा चिपका है, शायद डब्बा चिपका है। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है, शायद डब्बा चिपका है, कोई बात नहीं। ये ऐसे है, आप लोग देखिए, इसके अंदर ये ऐसे है, ये इस तरीके से दी हुई है, जो निकल भी रही है, टूट भी रही है, सब है। ये देखो, एक तो इसके अंदर पड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं है, एक दो है, सब बहुत डस्ट है यार, बहुत डस्ट है। इस तरीके से ये पेंसिल, ये सिर्फ इतनी सी मुझे 114 में मिली है यार। अब मैं इसका करूँगी क्या, मैं तो खाती भी नहीं हूँ। ये देखो, एक निकाल लेती हूँ, लंबे वाली निकाल लेती हूँ जो पूरी है, ये है ना। हाँ ये देखो, ये इस तरीके से आपको दिख रही होगी प्रॉपर। अभी इसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही, जब इसको पानी में डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरीके से है, हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा टाइपिंग है। देखती हूँ कितना करंची है यार, करंची तो है। यस यस यस, साउंड आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट में और डाल देती हूँ ना, अभी बहुत काम है। कितना अच्छा साउंड आ रहा है इसका, मतलब है। ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है, इनका सबका सेप एक जैसा नहीं है। तो बहुत अच्छा है, मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए, लेकिन ये देखो ठीक है, आया है 114 रुपीज़ में मैंने। आखिर आप लोगों ने इतना महंगा मुझसे मंगवा ही लिया है, मैंने सोचा ठीक है मैं भी मंगवाती हूँ और देखती हूँ खोल के। काफ़ी गंदा हो गया है, क्योंकि डस्ट काफ़ी चढ़ रही थी इसमें से। तो ये अनबॉक्सिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना। इस तरीके से इसकी पैकिंग है, कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, जस्ट ये पैक ऑर्डर आया है, इधर ये चिपका हुआ है ऑर्डर का, ये सब स्लिप है, अदरवाइज़ कोई ब्रांड नेम नहीं है। इस तरीके से आया 114 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ का ये था, ये स्लिप पेंसिल ओनली 30 रुपीज़ का है, लेकिन ये बॉक्स 114 रुपीज़ में है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये अनबॉक्सिंग मुझे ज़रूर बताना गाइस कमेंट्स में कि आप लोगों, और अगर आप लोगों को चाहिए किसी को ये खाने के लिए वो भी मुझे बता देना, क्योंकि मेरे अब ये किसी काम के नहीं आने वाली है, मैं गिव अवे कर दूंगी। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही गाइस,
ओके बाय।